बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं झेलम कैंट में मौजूद हूँ और ये है यादगार झेलम। अगर आप झेलम कैंट से गुज़रें तो आपको ये ज़रूर नज़र आएगा, ये हमारे झेलम में की शान है। और यकीनन हमें अपने शहर से, अपने इन चीज़ों से बड़ा प्यार है, तो ये हमारे लिए फ़ख्र है कि हम झेलम शहर से बिलोंग करते हैं। तो आई होप कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। तो आज हम अपना नेक्स्ट व्लॉग शूट करने आए हैं और देखते हैं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगता है और क्या क्या चीज़ हम आपको आज दिखा सकते हैं। तो चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी जर्नी को। हाँ जी, तो आज हम आए हुए हैं VIP मैजिक कॉर्न कप के स्टॉल पर। एक दफ़ा पहले हम लोग आए थे और ये इतने मज़े का हमें लगा है ना कि हमने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं और देखते हैं इसकी मेकिंग को और ट्राई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। तो ये भाई हैं जो हमें ये कॉर्न कप देते हैं और ये देखें, इन्होंने फ्यूजी की कॉर्न ली हुई है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है ये। तो भाई से बात करते हैं और पूछते हैं। तो भाई, ये आपने कब से स्टॉल शुरू किया हुआ है? ये मुझे एक साल, माशाल्लाह। और कैसा चल रहा है ये? माशाल्लाह जी, ठीक है। हमारा जो स्टॉल है वो सही है। तो अब इसकी मेकिंग देखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो भाई आप बना दें हमें। तो मैं आटन स्पेशल बना के देने लगा हूं। जी जी, नॉर्मल स्पेशल। ये लेमन चिली है, इमली है, टिक्का है, चिली है, गार्लिक है, बारबेक्यू है, अचार, गोश्त है। ये सारे इनके फ्लेवर्स हैं, आप जो फ्लेवर चाहें आपको वो मिल जाएगा। तो ये बहुत कम मैंने देखा है, ये सारे इन्होंने मसाले रखे हैं। सिरका भी डालता है। ये इसमें सिरका डाल रहे हैं और ये सारे इन्होंने लेमन, और ये सारे इन्होंने इसमें मसाले डाले। और ये स्टीम्ड कॉर्न है इनके पास। ये इसको मिक्स कर रहे हैं और ये इसकी मिक्सिंग की टेक्निक आप देखें कितनी ज़बरदस्त है। ये हमारा कॉर्न कप तैयार हो चुका है, माशाल्लाह। ये देखने में इतने मज़े का लग रहा है। लगा दो चेक कर लें गोल पे जी। ठीक, तो चेक करते हैं इसे। ठीक, इतनी मोटी मोटी कॉर्न है ना ये, माशाल्लाह। इतनी मज़े की है ना ये कि आप ये खाएं और आप बाकी तमाम चीज़ों को भूल जाएंगे। बहुत मज़े की, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये। तो ये है जी इन्हीं भाई का VIP गोलगप्पे। ये इन्होंने साथ ही गोलगप्पों का स्टॉल रखा हुआ है अपना, माशाल्लाह। बहुत मेहनत है कि एक साथ वो भी स्टॉल है, ये भी स्टॉल है इनका अपना, और ये इसमें बनाते हैं। तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, जब भी आप झेलम कैन की तरफ आएँ तो ज़रूर इधर आइएगा। ये इनका मसाला है, इन्होंने इसको अच्छे से, इसमें चने, प्याज और आलू होते हैं। ठीक है, इसमें हमारी खट्टी चटनी और मीठी चटनी, चटनियाँ भाई दिखा दो। ये खट्टी चटनी है और मीठी चटनी। ये खट्टे मीठे गोलगप्पे तैयार हो रहे हैं और बिल्कुल इनका ये साफ सुथरा स्टॉल है। ये इन्होंने इसको कवर किया होता है और प्लेट्स वगैरह सब कुछ साफ सुथरा है। तो आपने ज़रूर इसको विज़िट करना है। हाँ जी, तो ये पानी है, खट्टा पानी। ये खट्टी और मीठी दोनों चटनियाँ डाली हुई हैं इसमें, तो देखने में तो बहुत मज़े का लग रहा है। और गोलगप्पों की सबसे मज़े की बात होती है ना, जो इवन हमारे इधर हम लोग यहाँ सा भी ये बैट लगा के खाया जाता है कि किसका पूरा उसके मुंह में जाएगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अब हम इसको ट्राई करते हैं। बहुत मज़े का है, माशाल्लाह। खट्टा मीठा ज़बरदस्त, बहुत मज़े है गोलगप्पे। गोलगप्पे और कॉर्न कप दोनों बहुत मज़े के थे
आप ज़रूर आइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इधर बिल्कुल सामने है ये, तो आई होप आपको ये व्लॉग भी अच्छा और मज़े का लगा होगा। मुझे तो ये व्लॉग बेस्ट लग रहा है कि ये बहुत मज़े का था। तो मेरे सारे व्लॉग्स देखा करें, लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है, सपोर्ट होती है आपकी ये मेरे लिए। मेरी वीडियोस को शेयर किया करें अपने फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच आप लोगों का इतने अच्छे कमेंट्स का और इतने अच्छे व्यूज़ का। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।